कौन सा कानून है? ये हिटलर शाही है, हिटलर शाही। अरे इस देश का दुर्भाग्य है, अनपढ़ आदमी शिक्षा मंत्री, टिकट ब्लैकर कृषि मंत्री, तड़ी पार गृह मंत्री, और जो अपनी शादी करके घरवाली छोड़ दे वो इस देश का प्रधानमंत्री। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है। मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी। अरे इसको, इसकी शिकल देख ले और आसाराम की शिकल देख ले, दोनों को मिला ले एक से। तो मैंने तो इसका नाम झांसाराम रखा है। ये झांसाराम है, झांसा देता। बहुत सारे सरकार के एजेंट हैं, वे तो दलाल हैं। पर कौन सा उसमें किसान है? एक भी किसान नहीं उसमें। कौन लोग हैं फिर? बस शहर के मजदूर है बेचारे, उन्हें झाड़ी मिल जाए मजदूरी की। हमारे किसानों को क्यों रोक रहे हैं? हमने कोई हिंसा की है? हमने कहा है हम अपनी बात राजा से करने आ रहे। हम राजा के पास जाते हैं, राजा भाग जाता है। इसने तो एक कसम खाली है कि मुझे जो है गुलामी अडानी अंबानी की करनी है। हम कोई खालिस्तानी है? 26 तारीख को दिखाएंगे हम खालिस्तानी पाकिस्तानी। 26 तारीख को हमारे हाथ में तिरंगा होगा, 26 जनवरी को, और हम परेड में जाएंगे। और जो जो तिरंगे का अपमान करेगा वो देशद्रोही है, देश गद्दार है। चल रहा है 16 आने सच बुशरा खानम के साथ सिर्फ द नेशन पर। जी हम सयानपुर से हैं। कब से आए हुए आप? जी आज 6 दिन हो गए हैं। अच्छा जी, 6 दिन आप लोगों को हो गए आज? अच्छा, तक आपकी तरफ से आने वाला रास्ता जो है वहाँ भी रोक दिया गया है? बहुत जगह जी हम आए हैं। क्या रूट है आपका? क्या रूट है दिल्ली में आने का? दिल्ली जी मुरादाबाद होकर आना पड़ता है जी। अच्छा जी, तो कहाँ आज रोका गया है वहाँ पर? जी यहाँ पे टूल प्लाजे हैं, वहाँ पे रोकते हैं। पिलखुआ में रोका गया है, कुठार में रोका गया है, लगभग 50 से 70 पर रोका गया है, मसूरी में रोका गया है, हर जी पे रोका जा रहा है हमें। 70 से 80 ट्राली हमारी वहाँ पर रोकी जा रही है। क्यों रोकी जा रही है? जब किसान आ रहा है शांतिमय आंदोलन करने आ रहा है, जो आई हैं वे यहाँ पे क्या इंदिरापुरम में रोक के रखी हैं और उस पर ऐसा पहरा दे रहे हैं जैसे कि हमने कोई गुनाह कर दिया। दिल्ली में हम लोगों ने उन्हें बैठाया है, और दिल्ली सब किसी के बाप की नहीं, दिल्ली सबकी है, सबको आने का अधिकार है वहाँ। कोई आतंकवादी है? शांति प्रिय, हम आंदोलन करने आ रहे हैं तो हमें आने दीजिए ना। यहाँ पर हम कौन सा यहाँ पर हुड़दंग मचा रहे हैं, शांति से आंदोलन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो चुका है कि सब किसानों को हुक्म है, वो है आने की अनुमति है, तो उन्हें क्यों प्रशासन बार बार रोक रहा है? इसका मतलब प्रशासन चोर है? अच्छा, क्या वजह लगती है क्यों रोका गया? ये बीजेपी गवर्नमेंट करवा रही है, सीधी सीधी एजेंडा ये है। किसान भाइयों को आपस में लड़ाना, आपस में बांटना, जगह जगह गांव गांव में जाके पंचायत करना, जगह जगह किसान यहाँ का दुखी है। पंचायत आप रायबरेली में कर रहे हो, किसान यहाँ का दुखी है। आप असम गुजरात में जाके बोल रहे हो, किसान यहाँ का दुखी है। आप कल नाटक कर रहे हो गुरुद्वारे में जाके, सरदार यहाँ पे पड़े हैं, आप गुरुद्वारे में माथा टेकने गए हो। बंदा प्रॉब्लम को सुन नहीं रहे हो। आप बंगाल में रोड शो कर रहे हो, बंगाल चुनाव आ रहा है ना? नहीं चुनाव आ रहा है तो इनका क्या करना है? संसद क्यों नहीं चल रही है? यार तो अभी दूर है ना। अगर वहाँ चुनाव आ रहा है और एक देश का गृह मंत्री बिना मास्क के जब उसमें रविंद्र टैगोर के उसमें जाता है, तो वहाँ 4 आदमी है, वहाँ इतना बड़ा मास्क लगा के जाता है, वहाँ इतना बड़ा मास्क लगा के जाता है, हैं? और जब इतनी बड़ी भीड़ में जाता है बिना मास्क के जाता है, वहाँ चुनाव है और यहाँ किसान का मुद्दा संसद में उठना है तो संसद का सत्र डेड कर दिया। ये कौन सा कानून है? ये हिटलर शाही है, हिटलर शाही। हाँ इनको हिटलर कर दी, एक हिटलर पहले पैदा हुआ था वो चला गया। और हमारे किसानों को क्यों रोक रहे हैं? हमने कोई हिंसा की है? हमने कहा है हम अपनी बात राजा से करने आ रहे। हम राजा के पास जाते हैं, राजा भाग जाता है। राजा प्रजा की सुन नहीं रहा या? नहीं सुन रहा। अगर सुनता तो हम यहाँ क्यों पढ़ते इतने दिन से? ये राजा जो है, ये राजा अडानी अंबानी का राजा है, हमारा नहीं है। अगर हमारा राजा होता तो हमारे बीच में आता, हमारा दुख दर्द देखता। लेकिन इसने तो एक कसम खाली है कि मुझे जो है गुलामी अडानी अंबानी की करनी है। आप कितने दिन से यहाँ पर हैं? मैं शुरू से ही हुई हूँ। पहले मैं सबसे फर्स्ट डे मैं उसमें गया बुराड़ी पे, और बुराड़ी में मैंने देखा, वहाँ से मना किया यहाँ मत आना, फिर सिंधु बॉर्डर। आज किसान संगठनों को आप बता रहे रोका जा रहा है, किसानों को रोका जा रहा है। अभी 2-3 दिन से रैलियाँ भी निकल रही है, वो तो बड़े स्मूथली निकल। बहुत सारे सरकार के एजेंट हैं, वे तो दलाल हैं। पर कौन सा उसमें किसान है? एक भी किसान नहीं उसमें। कौन लोग हैं फिर? बस शहर के मजदूर है बेचारे, उन्हें झाड़ी मिल जाए मजदूरी की, क्योंकि सबका रोजगार छूटा पड़ा, तो उन्हें मजदूरी मिल जाए। आ जा बेचारे, बैठ जा, उनसे बात करिए। अभी हरियाणा में कल गया इन्होंने, कल हरियाणा में मैं देख रहा था लाइव, आप जैसे पत्रकार ने दिखाया ना, 450 रुपए की झाड़ी पे आए वे,
और वहाँ अनशन किया था शाम के 5 बजे तक, 2:30 बजे तक खाली हो गया वो, 200 आदमी बैठे थे उसमें। तो ये है इनका, अरे किसान यहाँ अंदाता यहाँ पड़ा है, इनसे क्यों नहीं आके बात कर लेते? हम कोई खालिस्तानी है? 26 तारीख को दिखाएंगे हम खालिस्तानी पाकिस्तानी, 26 तारीख को हमारे हाथ में तिरंगा होगा, 26 जनवरी को, और हम परेड में जाएंगे और जो जो तिरंगे का अपमान करेगा वो देशद्रोही है, देश गद्दार है, तिरंगे को जो रोकेगा वो देशद्रोही है। तिरंगा यात्रा नहीं, तिरंगा सबके हाथ में होगा, ट्रैक्टर पे होगा, सब किसानों पे होगा तिरंगा यात्रा, और वहाँ जाएंगे हम परेड में। परेड में हम नहीं जा सकते, अरे वहाँ नकली झांकी बना के दिखाएंगे, हम तो असली किसान जाएंगे, हम असली किसान जाएंगे। अच्छा झांकी है तो किसानों की वहाँ दिखाई जाती है? अरे यहाँ एक झांकी लगी, और ये असली झांकी है, असली नहीं देखोगे नकली देखोगे। अरे इस देश का दुर्भाग्य है, अनपढ़ आदमी शिक्षा मंत्री, टिकट ब्लैकर कृषि मंत्री, तड़ी पार गृह मंत्री, और जो अपनी शादी करके घरवाली छोड़ दे वो इस देश का प्रधानमंत्री, यही तो इस देश का दुर्भाग्य है। हैं? अरे जो सन्यासी होता है सब चीज त्याग करके, घर बार सब त्याग करके वो तब सन्यास लेता है। यहाँ तो ऐसे ऐसे बाबा हैं, अब वो जो है सत्ता का स्वाद लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, ये बाबा हैं। वो तो योगी है ना, है योगी है तो योगी क्या है? अरे योगी जाए तो मठ में जाए, सत्ता का स्वाद में क्यों आ रहा है भाई, उसे पता नहीं कुछ भी। अच्छा देखिए, यहाँ बड़ी तादाद में सिंघू बॉर्डर पे भी सिख किसान है। कल प्रधानमंत्री गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब गए ताकि किसान समझ सके वो उनके साथ हैं, फिर क्यों नहीं? वो इसलिए गए गुरुद्वारा रकाबगंज के भाई सिख भाइयों मुझे माफ कर दो, मैंने जो दलाली खाली, हम अडानी अंबानी की दलाली खाली, मुझे माफ़ कर दो किसी तरीके से कि मैं जो हूँ अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सांप के मुँह में छछुंदर है, सांप के मुँह में छछुंदर है। अब ये बिल जो है जैसे सांप के मुंह में छछुंदर होती है, एक कहावत है हमारे यहाँ की कि अगर सांप ने उसको छोड़ा तो छतरी धर्म गया, और सांप ने उसे खाया तो उसका ईमान गया। अब ऐसे ही मोदी जी के गले में ये बिल फंस गया, अगर इस बिल को वापस लेता है तो अडानी अंबानी मारेंगे क्योंकि उन्होंने पैसा दे रखा, उनकी दलाली करी, और अगर बिल वापस नहीं लिया तो ये किसान मारेगा जिसने उसे प्रधानमंत्री बनाया। तो अब ये तो उसके गले की छछुंदर है, उसके गले में फंस गया सर, ये अब उसको सोचना पड़ेगा तो कि इसके साथ आना है, देश के अन्नदाता के साथ खड़ा होना है या दलालों के साथ खड़ा होना है। क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो भी व्यापार करने ही आई थी, यहाँ राज करने नहीं आई थी, व्यापार करने आई थी, हमें गुलाम बना दिया। ऐसे ही ये कंपनी है, ये भी जो अडानी अंबानी की है, ये करके खोले जा रहे हैं वार्ता के। 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, 5 दौर की मंत्रियों के साथ, 1 दौर की गृह मंत्री के साथ, फिर से वार्ता के रास्ते खोले जा रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है बात करने की। तो हमने कदम न करी है, हमारे तो जो बड़े हैं वार्ता के लिए हमने कदम न करी, उन्होंने ही बंद करी वही खोल रहे। अरे जैसा चाहे सरकार वैसा कर ले, लेकिन वो शर्त क्यों लगाती है, कंडीशन? पहले कहती है बिल वापस नहीं होगा वार्ता कर लो, हैं? अरे हम भी यही कह रहे पंचो तुम्हारी बात सिर मत है, पतनाला यही उतरेगा, अगर बिल वापस नहीं तो फिर वार्ता का क्या करें। अच्छा, आराम तो करो, बात आराम धीरे तो करो। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ मेरठ रोड पर इन्होंने रोक लिया, प्योर तो करो, मेरठ के पल्ली तरफ सिवाल में हमारा जो है वो है टोल प्लाजा के पास, सिवाल खास वही बोला जा, उसमें रोक दिए इन्होंने ट्रैक्टर। इधर जो है गढ़वाले में रोक दिए, यहाँ दासना के यहाँ पिलखवा जो लगा है उस पर रोक दिए। क्यों रोक रहे भाई? हम गद्दार हैं, हमने कहीं झगड़ा कर दिया, हम देशद्रोही हैं। अरे ये अगर देखिए ये करें तो ठीक, हम करें तो गलत। मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टोमी है भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा? है अरे राजधानी इनके बाप की है, वो भी तो हमारी जमीन पे बनी, जब हम अपनी राजधानी में नहीं जा सकते, या तो ये राजधानी में जो है पासपोर्ट जारी करें। तो काफिला लेके जाओगे राजधानी में? है काफिला लेके जाओ, क्यों नहीं जा सकते? ये नहीं जाते? अरे हैं, अरे हम क्यों नहीं जा सकते? या तो हम कहाँ जा रहे? हम तो कह रहे यहाँ जा, अरे यहाँ भी नहीं आता, उसके घर जा वहाँ नहीं जान देता है। तो एक काम कर, सब में गोली लगवा दे, जलियांवाला बाग बनवा दे जा। हम तो हाथ उठावे ना, हम तो जो आवेगा पुलिस वाला पैर पकड़ लेंगे उसके, हम हाथ न उठावे। वो चाह रहा कि ये झगड़ा करें, और हम बिल्कुल नहीं करें, हम तो जलियांवाले बाग की तरह छाती खोल देंगे, मान ले भैया। बताओ सरकार मना कर रही है, कानून तो वापस ना होगा है?
देख भाई, तो भाई ऐसा है, इन्होंने तो इन्होंने कसम खा रखी तो कसम हमने भी खा रखी भाई। पंचो बात सिर माता पतनाला यहीं तारेंगे, ये वापस लेंगे, वापस लेंगे बिल, नहीं तो 26 तारीख को भाई हम तो परेड में शामिल होंगे तिरंगा लेकर। तो क्या हो गया? अरे हमारे तो बाप दादाओं ने 9 महीने तक करा अंग्रेजों से, हमारे हम भगत सिंह की औलाद हैं, उनके वंशज हैं, उनके पिताजी ने और उनके चाचा अजीत सिंह जी ने 9 महीने उन काले गोरे अंग्रेजों को लड़कर जीत लिया था। और मैं तो वो सिपाही हूँ कि 27 दिन मेरठ में लड़ा था बाबा टिकैत के साथ, उसके आंदोलन में रहा, 7 दिन वोट क्लब पे रहा, 17 बार उत्तर प्रदेश की जेल गया किसान आंदोलन में। हम क्या डरे हैं? सरकार का कहीं नेता कह रहे आंदोलन कितना कर लो वोट हम ही देंगे, यहाँ वोट की बात ही नहीं कर रहे, तभी तो मजबूत हम वोट की बात नहीं करते, हमको राजनीति नहीं करना है यहाँ, हमें सिर्फ किसान बिल की बात करनी है। बात तो यही है, तो वो कह रहे 370 सीट हम पे है, तो होने दे, तो क्या हो गया, 370 सीट है तो हमारे सिर पर चढ़ेगा, चढ़ना है सिर पर से आप कतार देंगे। अभी तो मांगता फिर रहा माफी गुरुद्वारे में, कल तो गुरुद्वारे पहुंच गया, आज कहीं ना कहीं मंदिर पहुंच जाएगा। अरे अरे भगवान के दरबार में हम क्या करने जा, कुछ गुनाह करा होगा जभी तो जाएंगे। मोदी जी ने गुनाह करा? अरे गुनाह नहीं है, इतनी जनता यहाँ सड़क पे मार रखी, 30-35 किसान जो है हमारे वे शहीद हो गए इन, और आप देखिए हमारे किसान शहीद हुए, मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक ट्वीट नहीं निकला, और हमें पाकिस्तानी बतावे, और इसके पाकिस्तानी यार की माताजी का इंतकाल हो गया, वहाँ इतनी बड़ी चिट्ठी भेज दी, वहाँ दुख प्रकट कर दिया, कभी उसकी माताजी की नी साड़ी भेज दे, अपनी की नी सोल मंगा ले। अरे हम पाकिस्तानी देशद्रोही खुद, और हमें देशद्रोही बतावे, हमें बतावे देशद्रोही। आजकल उनकी डाली पर भी सवाल उठा रहे किसान, क्या चक्कर है? अरे बंगाल में वो नहीं आ रहे चुनाव, वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर बनेगा देख लियो, रविंद्रनाथ टैगोर बनने की नहीं दाढ़ी बना दी, वहाँ तो जा ही नहीं रहे हैं वो रैली करने। कौन इसका पता? अरे इसको इसकी शिकल देख ले और आसाराम की शिकल देख ले, दोनों को मिला ले एक से, तो मैंने तो इसका नाम झांसाराम रखा है। ये झांसाराम है, झांसा देता डुगडुगी बजा के ड्रामा, और तुम जैसे को भका लिया, तुम जैसे को भकाया कि आजा बेटे 2 करोड़ दूंगा नौकरी, ले ली नौकरी, मैं ना देता, नहीं दी भाई, और ना तो जिंदगी में कभी दी, ना कांग्रेस को दी और ना बीजेपी को दी और ना दू, और मेरे तो बालक है ना जो सारे दे देंगे। 2 करोड़ के चक्कर में बहका लिया आपको, तो 15 लाख के चक्कर में बहका लिया उन्होंने, आपने भी अकाउंट खुलवा लिया ना, हिंदुस्तान के किसी बैंक में मेरा खाता नहीं ना। अरे जो हमारे बड़े बुड्ढे कह गए जो 8 में वही अपना, बाकी सब 14 कागजों में। बैंक पर भरोसा ना है, बैंक तो साले सारे ले वो लेज के भग गया नीरव मोदी और मालिया, ऐसा मेरा भी चला जाता अगर उसमें होता तो, साला जो जेब में रहे वो बढ़िया, क्यों बेकार के इनके चक्कर में पड़े। और यो मोदी है बैंकों को भी डुबो देगा, देख रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, ONGC बेच दी, LIC बेच दी, तब तो नहीं आया विरोध करने से बेच रहे हैं। कौन? अरे उनमें मेरा साझा ना था, साझा मेरा जमीन में, अब इसे दिख रहा इस जमीन को बेच के, और यो 500 का मजदूर बनाना चाहे अडानी अंबानी का, और मैंने कह दी अब के एक एक काम कर लिए, झांसा राम तेरे झांसे में अब के तो आना नहीं, जमीन नहीं बिकने देंगे चाहे हो जा कुछ। जमीन कहाँ बिकी, मना तो कर रहे हैं। अरे जमीन ना बिकेगी और क्या होगा, जब मेरा धान ही 1850 का माल जो जब 800 रुपये में बिकेगा तो जमीन तो बिकी जाएगी। तो कोरोना चल रहा है इस वजह से सस्ता, कोरोना इनके ना लगता, कोरोना कल वहाँ उसमें पड़ रहा था बंगाल में है, तड़ी पार जो है तड़ी पार, अरे तड़ी पार है, पहले सजा मिली तड़ी पार की, और जो हुआ तड़ी पार क्लीन चिट मिल गई उन्हें, कितने दी कोर्ट ने? अरे यार मैंने चोरी कर ली और फिर मुझे अदालत ने माफ कर दिया, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो पहले से ही चोर था। तो तड़ी पार है, तड़ी पार रहेगा। देश के होंगे मेरा ना, मैं ना मानता, क्यों मानू मैं उसे, ग्रह चढ़ वो जभी तो देश पर ग्रह चढ़ा दी उनने। अब तो बीजेपी की सांसद हो गई, किसानों को जेल में डाल दो, प्रज्ञा सिंह बोलती है वो है, प्रज्ञा सिंह बोल, अरे बस उसे रहने दे, वो तो सबसे बड़ी आतंकवादी है, बैठ के उठा नहीं जाता, बीमार है वो, एम्स में भर्ती है, बीमार है आजकल तो भी। अरे रुक जा 4 दिन में अर्थी आ जाएगी बाहर, चिंता कर, मरेगी इस देश के लिए। देखिए
जिस पे जो है देश द्रोह के मुकदमे चल रहे हों, वे चल रहे हों, उसको भी रक्षा मंत्रालय की समिति में रख रखा है। ये देश का दुर्भाग्य नहीं है और क्या है, बताओ आप। तो मोदी जी ने कहा तो हम मन से माफ नहीं करूंगा। अरे मन से माफ नहीं करेगा, बगल में बैठाओ बैठा रहेगा, ऐसा कैसे कैसे चलेगा है। अरे देखिए वो मन की बात करते हैं, है भाई, मैं अपने घरों बैठा रोज राम राम करूं तो मैं पता चलेगा, पता तो जब चलेगा जब थारे दौरे आके राम राम करूंगा, तब भी दो बार राम राम कहोगे। अरे यही तो कमी है, शादी शुदा को वोट दिया करो, मेरे जैसे रंडवे को वोट मत दे दियो, वरना मन की बात रेडियो पे सुनोगे। अरे मैं रंडवा ना कुआ रहा हूँ, मैं शादी नहीं करी, मैंने शादी नहीं करी, करते सबके मन को दुखी कर देता है, मैंने शादी नहीं करी क्योंकि मुझे जो मोदी जी मन की बात करते किससे हैं? अरे रेडियो से करे है, अगर घरवाली होती तो कम से कम उससे बतला लेता। और देखो देखो असलियत बात है, तो तुम मजाकों में ले जा रहे हो, झांसा राम क्यों कहता हूँ, देखिए विधानसभा के कितने चुनाव लड़ा, वो एक में भी घरवाली की संपत्ति का नाम नहीं दिया, जब यहाँ आया एमपी का चुनाव लड़ा तो घरवाली का नाम भी दे दिया उसमें, क्यों भैया, या तो यो बता मैंने छोड़ रखी या नूके मैं रखूँ, कम से कम एक तरफ तो रहे, अपनी घरवाली का फैसला नहीं कर पा रहा, देश का फैसला करेगा।